मेरा जो इसके और प्यार है वो थोड़ा झूठा साबित हो जाएगा। शाम के 4 बजे इतना ट्रैफिक किस बात का है मुझे अभी तक नहीं समझ रहा है। गलत डिसीजन ले लिया अब हम भाई तूने। भाई साहब बाइक जो बाउंस हुई है अभी श्रीकांत फुल उछल गया है पीछे से। आ गया जी हाईवे, अभी थोड़ा अपना नसीब आजमाते है। भाई 390 के पिलियन सीट पे जो भी बैठता है ना उसे मजा आना तो भाई बनता ही है। हेलो गाइस व्हाट्स अप एवरीवन, आई एम फ्रॉम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज डेट है 13 जून और अभी टाइम हो रहा है शाम के 4। तो गाइस आज का जो ये व्लॉग है ना वो बहुत ही स्पेशल व्लॉग है मेरे लिए, बल्कि आज का ये व्लॉग ही नहीं आज का पूरा दिन मेरे लिए स्पेशल है, क्योंकि आज मेरी पॉकेट रॉकेट ड्यूक 390 मेरी सिल्वा का बर्थडे है। आज इसे 3 साल पूरे हो गए और भाई जब से बाइक मेरी ज़िंदगी में आई है ना मेरी ज़िंदगी में नई खुशियाँ आ गई है। मैं बहुत सी नई चीज़ें सीखा हूँ, बहुत से नए लोगों से मिला, नई नई जगहों पर गया, बाइकिंग कम्युनिटी से मैं रूबरू हुआ, यश और पाटिल जैसे अच्छे दोस्त मिले, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इस बाइक की वजह से मुझे मिली है, तो उनके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। बस यही बताना था कि इस बाइक का मेरी ज़िंदगी में आना मेरे लिए बहुत स्पेशल है। और आज 12 बजे के बाद जैसे मैं इसकी इंस्टा पे स्टोरी अपलोड कर रहा था तो इसके फ़ोटोज़ देख के मैं थोड़ा इमोशनल हो गया और मेरे मन में ऐसे ख्याल आने लगे कि इस बाइक ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत सी खुशियाँ दी है। तो आज इसका स्पेशल डे है तो आज इसको तो बाहर निकालना बनता है, नहीं तो ये नाराज़ हो जाएगी और मेरा जो इसके और प्यार है वो थोड़ा झूठा साबित हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि इसको आज बाहर निकालते हैं, इसको थोड़ी मोहब्बत जताते हैं, इसको थोड़ा भगाते हैं, मतलब ये भी खुश हो जाएगी और मैं भी खुश हो जाऊँगा। तो अभी मैं निकला हूँ घर से बाहर, अभी हूँ JVLR पे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जा रहा हूँ, क्योंकि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तो बैंड बजी पड़ी हुई है, तो अच्छा हाईवे चाहिए था भगाने के लिए, तो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे इज़ द बेस्ट। तो मेरे साथ है अभी श्रीकांत। तो अभी फ़िलहाल ये JVLR पे तो ऐसे ही ट्रैफिक मिलने वाला है, तो हाईवे पे चल के सीधा बात करता हूँ आपसे। ओके गाइस, तो अभी फाइनली हाईवे आने वाला है, चालू होने वाला है और ये जॉब छोड़ने के बाद का मेरा पहला व्लॉग है, पहला मोटो व्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ और लगभग 15 से 20 दिन के बाद, मतलब मैंने कैमरा छुआ ही नहीं था 15 से 20 दिन गोप्रो को, बाकी मोबाइल को तो छूते ही रहता हूँ, मोबाइल के बिना ज़िंदगी क्या है। चलो, मैंने सोचा था कि हाईवे खाली मिलेगा मुझे, लेकिन भाई ट्रैफिक ही ट्रैफिक है यहाँ, तो क्या ही भगाऊँगा, देखते आगे जाके कुछ होता है क्या, नसीब हमारा चमकता है क्या, नहीं तो इस ट्रैफिक को ही फिल्टर करते रहना पड़ेगा मुझे। अभी जिस मज़े के लिए मैं आया था वो मज़ा किरकिरा हो गया है ऐसा लग रहा है अभी, लेकिन ठीक है, बेबी का बर्थडे तो हम लोग ऐसे ही इंजॉय करेंगे। आप पटाखे मार रही है यार। भगाते वक्त मैं ज़्यादा बातें नहीं करता भाई, क्योंकि नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो कॉन्सेंट्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। शाम के 4 बजे इतना ट्रैफिक किस बात का है मुझे अभी तक नहीं समझ रहा है। गलत डिसीजन ले लिया अब हम भाई तूने। बस यहाँ से वहाँ बाइक नचा रहा हूँ मैं, भगाने ही नहीं मिल रहा जैसे चाहिए वैसे। यू ही चलना चलना मैं, यू ही चलना चलना मैं। बाउंसी रोड, लगा नहीं ना तेरे को कुछ हेलमेट? हेलमेट नहीं लगाना? नहीं नहीं।
भाई साहब बाइक जो बाउंस हुई है अभी, श्रीकांत फुल उछल गए हैं पीछे से। बोलते हैं मजा आ गया भाई, मजे के सजे भी हो सकते हैं ऐसे। ठीक है, अभी यहाँ से अंदर जा रहे, थोड़ा काम है कुछ श्रीकांत को, तो वो काम करके फिर से जब हाईवे पे आएंगे तब फिर से मैं चालू करता हूँ, और तब देखते ट्रैफिक है या नहीं, और तब देखते भगाने मिल रहा है कि नहीं। अभी भी थोड़ा वैसे भगा लिया है मैंने, लेकिन दिल नहीं भरा है मेरा अभी। ऑल राइट, फाइनली फिर से एक बार आ रहे हैं हम लोग हाईवे के नज़दीक। हम लोग अभी मुलुंड गए थे, श्रीकांत का थोड़ा ऑफिस रिलेटेड वर्क था कुछ, तो वो कंप्लीट करने के लिए गए थे। अभी काम हो गया है, अभी फिर से हाईवे पे आ रहे हैं। अभी तो जाते समय हाईवे थोड़ा बहुत खाली मिलना चाहिए, तो थोड़ी मज़ा आएगी आपको भी और मुझे भी। आ गया जी हाईवे, अभी थोड़ा अपना नसीब आजमाते हैं हाईवे खाली है या नहीं। यहाँ से तो खाली ही लग रहा है। हुई ना बात, इसी के लिए तो मैं बाहर निकला था आज, और फाइनली मिल गया भगाने। बस भाई बस भगा लिया। ठीक है, अभी थोड़ा आराम से चलते हैं, अभी आपसे थोड़ा बातें कर लूँ। अभी रिटर्न आने से पहले मुझे एक डर लग रहा था कि बारिश ना आ जाए, क्योंकि बादल तो छाए हुए हैं और कल से मुंबई में थोड़ी बहुत बारिश आना भी चालू हो गई है। मतलब यार कब से रुका था मैं बारिश के लिए कि बारिश आ जाए, क्योंकि गर्मी ने हालत बेकार करके रखी थी, और अभी बारिश आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि थोड़े टाइम के लिए मत आ, बस एक बार मुझे घर पर पहुँचने दे, फिर बरसना जितना देर को बरसना है। श्रीकांत को तो खैर मैंने विंग शीटर दे दिया है, क्योंकि मेरा पीछे मडगार्ड नहीं है, तो बेचारे का टी शर्ट ख़राब हो जाता कीचड़ से। तो मैंने कहा भाई तू रेनकोट पहन ले, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है। अभी इसको जल्द से जल्द मडगार्ड लगाना है वापस, क्योंकि बारिश के 4 महीने ऐसे होते हैं जब मेरी बाइक पर मेरा मडगार्ड होता है, नहीं तो फिर मैं टायर अगर वो सब निकाल देता हूँ बाकी के 8 महीने, जिससे हमारा लुक बरकरार रहे। क्या पटाखा मारा रे बाबा। हो गया यहाँ पे ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे ख़त्म, अभी मारेंगे यहाँ से राइट JBLR के लिए। हर 2 मिनट पे यहाँ पे सिग्नल है, क्या ही करे यार, सिग्नल से भी तंग आ गया हूँ। अपने को रुकना नहीं पसंद है। थोड़ा ईवी वाले को आवाज़ सुनाते हैं, उसके गाड़ी में आवाज़ ही नहीं है ना। यार सच में ई बाइक में मज़ा है क्या? मुझे तो नहीं लगता, बिना आवाज़ के चलाने में क्या ही मज़ा है। हाँ, आज ये रास्ता इतना क्यों खाली दिख रहा है भाई? अच्छा है, मेरे लिए खाली कराया गया है शायद, उनको पता था मैं आ रहा हूँ। बेबी काम डाउन। ये आया कॉर्नर, इधर थोड़ा लेटा थे। श्रीकांत चिल्ला रहा है भाई, मजा आ रहा है उसको पीछे से। भाई 390 के पिलियन सीट पे जो भी बैठता है ना, उसे मज़ा आना तो भाई बनता ही है, चाहे वो कोई भी हो, बस बूढ़े बुजुर्ग छोड़ के उनको उनका आखिरी दिन लग जाएगा नहीं तो। भाई ये JBLR की प्रॉब्लम है ना ट्रैफिक की, वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है मेट्रो बनने के बाद भी। मतलब ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत काम मेट्रो का पूरा हो चुका है, रोड्स खुले कर दिए हैं, लेकिन फिर भी
ट्रैफिक तो वैसे का वैसा ही है, और यहाँ शाम के टाइम पे आना मतलब पाप है, क्योंकि गाड़ियाँ रुक जाती है यहाँ पे, और शायद मुझे भी अभी रुकना पड़ेगा इस ट्रैफिक में। मुंबई में ऐसे बहुत कम कॉर्नर्स है जहाँ पे नी डाउन कर सकते हैं हम लोग, लेकिन जो भी है भाई, कॉर्नर्स का मज़ा ही अलग आता है। जब आपकी बाइक ऐसे एक एंगल पे सोती है ना, तो भाई अलग ही फील आता है उसको स्ट्रेच करने में। और ज़रूर एक ना एक दिन इस बाइक को लेके मैं ट्रैक पे जाऊँगा, कब जाऊँगा वो मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन एक दिन जाऊँगा ज़रूर, क्योंकि भाई अपना सपना है ट्रैक पे जाना। और आई थिंक हर एक स्पोर्ट्स बाइक ओनर का यही सपना होगा कि उसको अपनी बाइक लेके ट्रैक पे जाना होगा। यार ये देखो थोड़ा आगे आया नहीं, पूरा रास्ता अभी जाम है, यही होता है। अभी क्या ही इसमें मैं ब्लॉग शूट करूँगा, खैर इस ट्रैफिक को अभी क्लियर करता हूँ फटाफट में, और ट्रैफिक के बाद मिलता हूँ और फिर घर ही पहुँच जाऊँगा, तो ये ब्लॉग भी एंड कर दूँगा। इस ब्लॉग में ज़्यादा कुछ था नहीं, सिल्वा का बर्थडे था तो इसको थोड़ा भगाने के लिए बाहर निकाला था, श्रीकांत का काम भी था तो मैंने सोचा कि एंटॉक लेके जाने से अच्छा इसको ही निकालते हैं। ये रहा बेरूट पवई, यहाँ पे भी मैंने काम किया है, मतलब बेरूट में मैं जब काम कर रहा था तब मैंने उसके सारे आउटलेट पे काम किया है, बस एक कुलाबा वाला छोड़ के वहाँ पे जाने का मौका नहीं मिला, बाकी जुहू पवई बीकेसी पलेडियम चारों भी अपना हो गए। चलो भाई चलो चचा, क्यों रुका रहे हो हमें खुद की वजह से। ये देखो सिग्नल की बात, बारिश है यहाँ पे, मतलब मैं कैमरा चालू कर रहा हूँ ना तो तुरंत सिग्नल आ रहा है, मतलब शूट करूँ या नहीं वही सवाल आ रहा है अभी मुझे। छूट गया है भाई सिग्नल, चलो जगा दो अपने को। हाँ, मिल गई जगह, लेट्स गो नाउ, परफेक्ट शिफ्ट। अभी फिर से कोई सिग्नल नहीं आना चाहिए भाई, सिग्नल नहीं है लेकिन ट्रैफिक तो आ गया, फिर मुंबई में यही होता है, इसलिए हम लोग संडे राइड जाते हैं भाई, जहाँ पे खाली रास्ते मिले, दिल खोल के भगाने मिले। और बहुत टाइम से संडे राइड भी नहीं गया हूँ, तो वो भी एक दिन प्लान करते हैं, अभी संडे राइड जाना पड़ेगा। श्रीकांत भी बोल रहा है कि कभी लेके चल राइड पे, मैं बोला भाई पेट्रोल का खर्चा करो, अपना मंडल गरीब है, थोड़ा हाफ ऑफ करो आ जाओ। तो अभी बात चल रही है, देखते हैं क्या सीन है, अगर गए तो तभी भी व्लॉग शूट करेंगे हम। अभी धीरे धीरे अपना एरिया नज़दीक आ रहा है, घर पे जाके भी थोड़े बहुत घर के काम करने हैं। एरिया में आते ही कीचड़ और बारिश ने हमारा स्वागत कर दिया है, हम जाएंगे सूखे रास्ते से, हमारा टायर अगर नहीं है। ओके तो ये रही हमारी बाइक, देख लो एक बार, बारिश की वजह से गंदी हो चुकी है पीछे से पूरी तरह, अगर और बारिश होती ना तो ये नंबर प्लेट पूरी गायब हो जाती है यहाँ से, और फिर हमारे फाइन भी बच जाते थोड़े। मतलब देखो यार क्या बाइक बनाई है KTM ने, मतलब खूबसूरती की अगर डेफिनेशन पूछोगे ना मुझसे तो मेरे लिए भाई खूबसूरती यही है। क्या बोलता है श्रीकांत, कैसा लग रहा है देख? अच्छा बहुत कॉर्नर पे मजा आया, बहुत मजा आया भाई ये चलाते हुए, भाई बहुत मजा आ गया कॉर्नर पे, बहुत बिल्ला राइड लगा, बहुत बिल्ला राइड था। जस्ट शेयर दिस व्लॉग, ही इज अंधेरी का टुपाक, सपोर्ट आवर ब्रदर, थैंक यू भाई। तो देख लो भाई ऐसा कुछ सीन है, अभी यहाँ पे फोटोशूट करते हैं। अभी मेरे हाथ की हालत देखो, अभी जस्ट मैंने श्रीकांत के कंधे पे ऐसा हाथ रखा था, और एक बार पीछे से विंग शीटर भी देख लो, अगर ये नहीं पहनता ना तो इसके टी शर्ट पे आ जाता है ये सब। तो बस यही था, अगर यहाँ तक आपने ब्लॉग देखा है तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, एक लाइक का बटन दबा दो यार, आप ब्लॉग देखते हो लेकिन लाइक का बटन नहीं दबाते, कितना टाइम लगता है लाइक का बटन प्रेस करने में। तो बस इस ब्लॉग को ये एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर, लिव इन पीस।